नमन। ये धरती साहस, स्वाभिमान, सैन्य गौरव, संगीत, स्वाद और सरसों का प्रतीक है। ग्वालियर ने देश के लिए एक से एक क्रांतिवीर दिए हैं। ग्वालियर चंबल ने राष्ट्र रक्षा के लिए, हमारी सेना के लिए अपनी वीर संतानें दी हैं। ग्वालियर ने भाजपा की नीति और नेतृत्व को भी आकार दिया है। राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी को ग्वालियर की मिट्टी ने गढ़ा है। ये धरती अपने आप में एक प्रेरणा है। इस मिट्टी से जो भी देशभक्त निकला, उसने खुद को राष्ट्र के लिए खपा दिया, उसने अपना जीवन राष्ट्र के नाम कर दिया। मेरे परिवारजनों, हम जैसे करोड़ों भारतीयों को देश की आजादी के लिए लड़ने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन भारत को विकसित बनाने, भारत को समृद्ध बनाने का दायित्व हम सब पे कंधों पर है। आज भी इस मिशन को आगे बढ़ाने, फिर एक बार मैं आपके बीच ग्वालियर आया हूं। अभी यहां लगभग 19,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, और मैं देख रहा था कि एक के बाद एक लोकार्पण की या शिलान्यास के कर्टेन खुल रहे थे। इतनी बार कर्टेन खुले कि आप तालियां बजाते थक गए। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक साल में कोई सरकार जितने लोकार्पण और शिलान्यास का काम नहीं कर सकती, आज एक दिन में हमारी सरकार कर सकती है, और लोग ताली बजाते थक जाते हैं, इतने काम करने का सामर्थ्य रखते हैं। मेरे परिवारजनों, दशहरे, धनतेरस और दीपावली से पहले मध्य प्रदेश के करीब 2.25 लाख परिवार आज अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। आज कनेक्टिविटी के भी कई प्रोजेक्ट का यहां शुभारंभ हुआ है। उज्जैन में विक्रम उद्योगपुरी और इंदौर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क मध्य प्रदेश के औद्योगिकरण का विस्तार करेंगे। यहां के युवाओं के लिए हजारों नए रोजगार, उसके लिए निर्माण होने वाले हैं, नए अवसर बनने वाले हैं। आज आईआईटी इंदौर में भी बहुत काम नए शुरू हुए हैं। आज ग्वालियर के साथ साथ
विदिशा, बैतूल, कटनी, बुरहानपुर, नरसिंहपुर, दमोह और शाहजहांपुर को नए स्वास्थ्य केंद्र भी मिले हैं। ये केंद्र आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत बने। इनमें गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा है। मैं इन सभी के लिए आप सबको, मध्य प्रदेश के मेरे परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ये जो इतने सारे काम है, ये डबल इंजन सरकार के साझा प्रयासों का परिणाम है। जब दिल्ली और भोपाल दोनों जगह समान सोच वाली जनता जनार्दन को समर्पित सरकार होती है, तब ऐसे काम और तेज गति से होते हैं। इसलिए आज मध्य प्रदेश का भरोसा डबल इंजन सरकार पर है। डबल इंजन यानी एमपी का डबल विकास। मेरे परिवारजनों, बीते वर्षों में हमारी सरकार मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से देश के टॉप 10 राज्यों में ले आई है। यहां से अब हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश को देश के टॉप 3 राज्यों में ले जाने का है। एमपी टॉप 3 में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? एमपी का स्थान टॉप 3 में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बड़े गर्व के साथ 3 तक पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है? ये काम कौन कर सकता है? ये गारंटी कौन दे सकता है? आपका जवाब गलत है। ये गारंटी एक जिम्मेदार नागरिक के नाते आपका एक वोट मध्य प्रदेश को नंबर 3 पर ले जा सकता है। जी, डबल इंजन को दिया आपका हर वोट एमपी को टॉप 3 में पहुंचाएगा। मेरे परिवारजनों, एमपी का विकास वो लोग नहीं कर सकते जिनके पास ना तो कोई नई सोच है, ना विकास का रोडमैप है। इन लोगों का सिर्फ एक ही काम है, देश की प्रगति से नफरत, भारत की योजनाओं से नफरत, अपनी नफरत में ये देश की उपलब्धियों को भी भूल जाते हैं। आज आप देखिए, पूरी दुनिया भारत का गौरव गान रही है। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आज दुनिया को भारत में अपना भविष्य दिखता है। लेकिन जो राजनीति में उलझे हुए हैं, कुर्सी के सिवा जिनको कुछ नजर नहीं आते, उन्हें आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजना भी
अच्छा नहीं लगता है। भारत, सोचिए दोस्तों, 9 वर्षों में 10वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बन गया है, लेकिन ये विकास विरोधी लोग ये सिद्ध करने में जुटे हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं है। मोदी ने गारंटी दी है कि अगले कार्यकाल में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में एक नाम हमारे हिंदुस्तान का होगा। इससे भी सत्ता भूखे कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। मेरे परिवारजनों, विकास विरोधी लोगों को देश ने 6 दशक दिए थे, 60 साल कोई कम समय नहीं होता है। अगर 9 साल में इतना काम हो सकता है तो 60 साल में कितना हो सकता था। उनके पास भी मौका था, वो नहीं कर पाए, ये उनकी नाकामी है। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। वो तब भी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे रहते थे और आज तो वो एक से बढ़कर एक घोर भ्रष्टाचारी हो गए हैं। वो तब भी सिर्फ और सिर्फ एक परिवार का गौरवगान करते थे, आज भी वही करने में वो अपना भविष्य देखते हैं। इसलिए उनको देश का गौरवगान पसंद नहीं आता। मेरे परिवारजनों, मोदी ने गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों को पक्के घर की गारंटी दी है। अभी तक इसके तहत देश में 4 करोड़ परिवारों को अपने पक्के घर मिल चुके हैं। यहां एमपी में भी अभी तक लाखों घर गरीब परिवारों को दिए जा चुके हैं और आज भी इतनी बड़ी मात्रा में घरों का लोकार्पण किया गया है। जब इन लोगों की सरकार दिल्ली में थी तब गरीबों के घर के नाम पर भी सिर्फ लूट होती थी। ये लोग जो घर बनवाते थे वो रहने लायक भी नहीं होते थे। देश भर में ऐसे लाखों लाभार्थी थे जिन्होंने कभी उन घरों में पैर तक नहीं रखा, लेकिन आज जो घर बन रहे हैं उनमें खुशी खुशी गृह प्रवेश हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये घर हर लाभार्थी बहन भाई खुद अपने हिसाब से बना रहा है, अपने सपनों के अनुरूप, अपनी जरूरतों के हिसाब से अपना घर बना रहा है। हमारी सरकार जैसे जैसे काम होता जाता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से मॉनिटर होता है और तुरंत उसके खाते में सीधे पैसे भेज देती है, कोई चोरी नहीं होती है, कोई कट की कंपनी, कोई भ्रष्टाचार नहीं और उसका घर बनना हो आगे बढ़ जाता है। पहले घर के नाम सिर्फ 4 दीवारें खड़ी होती थी, आज जो घर मिल रहे हैं इनमें टॉयलेट, बिजली, नल से जल, उज्ज्वला की गैस, सब कुछ एक साथ मिलता है।